हेलो एवरीवन बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कल लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन को, कॉजेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन एंड थर्ड वन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन. उसमें कॉन्सिक्वेंसेज में हमारा एक पॉइंट पेंडिंग था, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड. ठीक है, तो जो पेंडिंग था हम उसको आज कंप्लीट करेंगे. फर्दर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स. बच्चे, बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स जो है वो हमने यहां पे बेसिसिटी का जो कंसेप्ट है वो लेंथेनॉइड्स के साथ कैसे पढ़ना है कि लेंथेनॉइड्स के साथ OH नेगेटिव आयंस कैसे अटैच हो रहे हैं. यानी यहाँ हम बेसिसिटी का जो कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि लेंथेनम से लुटीटियम तक जाते हुए बेसिसिटी कैसे वेरी करती है. यानी लेंथेनॉइड्स में बेसिसिटी कैसे वेरी करती है. यहाँ बेसिसिटी मैंने आपको बताया हमें कैसे कंसेप्ट लेने, यानी अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, तो जैसे ही हम लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ मूव करते हैं तो बेसिसिटी जनरली क्या होती है, डिक्रीज करती है. ठीक है, क्यों डिक्रीज करती है, रीजन वही रहेगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन. बेसिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन. तो कल हमने जो चार पॉइंट पढ़े थे उसके बाद हमें क्या करना था, बेसिसिटी के बारे में पॉइंट डिस्कस करना था जो मैंने कल छोड़ दिया था. तो वो भी किसका कॉज, वो उसका कॉज भी क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन. होता क्या है, लेंथेनम आयन, हमें साइज का पता है, एक लेंथेनम है और एक लुटीटियम है, किसका साइज ज्यादा है बताएंगे एक बार मेरे को, जल्दी से बताएंगे किसका साइज ज्यादा है. वेरी गुड बेटा, देखो हमने यही किया था ना कि इसका साइज क्या है, यानी ये लार्जर साइज है और ये क्या है, स्मॉलर है. क्योंकि हमने बात डिस्कस की थी कि लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन थी क्या, कि लेफ्ट से राइट जाते हुए लेंथेनॉइड सीरीज में साइज जो है डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, यही पढ़ा था कल हमने. तो हम कह रहे हैं जितना बड़ा साइज होगा आयन का, यानी मोर इज द साइज ऑफ आयन, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर. दैट मीन्स क्या, कि लार्जर आयन से स्मॉलर आयन की तरफ जाते हुए आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. हमें एक और चीज भी पता होनी चाहिए, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, यानी जितना बड़ा आयन होगा आयन आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है. अगर स्मॉलर हो जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो मैं कह दूंगी कि जैसे मैं लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ मूव कर रही हूं तो वहां पे मेरा क्या पड़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या, यानी पोलराइजिंग पावर जो है किसकी, आयंस की, वो क्या हो रही है, यानी जो केटायन की बात कर रही हूं मैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेस. ठीक है, और ये कौन सा रूल होता था पता है हमें बेटा, साइज डिक्रीज करता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन इंक्रीजेस. ये कौन सा रूल होता है, मैं रब कर देती हूं, कौन सा रूल होता है मालूम है किसी को, दैट इज फजान्स रूल. फजान्स रूल ने क्या बताया था हमें, एज द साइज डिक्रीजेस द पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन
इंक्रीजेस एंड विद इंक्रीज इन द पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है दैट मींस क्या, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हम यहां से क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ मूव किया, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो गई कम, यानी लेंथेनम और हाइड्रोक्साइड ये जो आयंस बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। और लुटीटियम से अगर मैं हाइड्रोक्साइड पे गई, यानी लुटीटियम के साथ अगर मैंने हाइड्रोक्साइड की बॉन्डिंग की बात की, तो वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इसकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की, आयनिक बॉन्ड बनाने की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो गई है, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बताना चाहा आपको, अगर ये आयंस आपस में, यानी OH इसके साथ इजीली कंबाइन नहीं कर सकता, यानी आयनिक बॉन्ड से इजीली कंबाइन नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि लार्जर इज द साइज ऑफ केटायन। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहाँ पे साइज ज्यादा है, उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, और ज्यादा रहेगी तो बेसिसिटी ज्यादा रहेगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, LaOH thrice इज मोर बेसिक देन लुटीटियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास एक सेपरेट क्वेश्चन आता है पेपर में, रीजन हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। क्या बताया मैंने आपको कि जैसे जैसे लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ हमने मूव किया, आयनिक कैरेक्टर यहां ज्यादा होता है क्योंकि बड़ा साइज है, साइज डिक्रीज होने से आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। कम किसकी वजह से हुआ, क्योंकि फजान्स रूल ने एक्सप्लेन किया था कि साइज छोटा होता जाता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है केटायन की, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर जो है हमारे पास वो लेंथेनम का ज्यादा हो गया और इसका कम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से क्वेश्चन क्या आया हमारे, क्वेश्चन यही आया कि लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन लुटीटियम हाइड्रोक्साइड। ये एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। क्या कह रहा है ये पेपर में क्वेश्चन, कि ये ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाई लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन लुटीटियम हाइड्रोक्साइड, या फिर विच वन इज मोर बेसिक आउट ऑफ दिस एंड दिस। दोनों में से किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों में से कौन सा बेसिक है और क्यों, एक्सप्लेन करें। ठीक है, दूसरी बात कह सकता है कि ये ज्यादा बेसिक है इससे क्यों, आंसर इज सेम। ठीक है, बस आपको बताना आना चाहिए, ये सारा जो है फंडा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट में डील कर रही हूं इस बेसिसिटी के डिफरेंस से हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है। ये बेसिसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है तीन तरीके से, कैसे करती है हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज, बेसिसिटी रिफ्लेक्टेड इन थ्री वेज। फर्स्ट है हमारे पास क्या, इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलाइज्ड, बेसिसिटी इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द कंपाउंड टू बी हाइड्रोलाइज्ड। अब ये बात भी शायद आपको पता होगी कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटायन, इजीली इट विल हाइड्रोलाइज। भाई जितना ज्यादा छोटा आयन होगा
उतनी उतना ही इजीली वो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ये तो सभी को पता होनी चाहिए कि जितना छोटा आयन होता है वो उतना ही इजीली वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था लेंथेनम और लुटीटियम। तो लेंथेनम और लुटीटियम में हमने पढ़ा कि क्या होगा, साइज किसका बड़ा, इसका क्या है साइज, लार्ज है, और इसका साइज क्या है, लेस है। ठीक है, यानी कम है। तो अगर मैं बात करूं ड्यू टू डिक्रीज इन द बेसिसिटी, इधर जाते हुए क्या हो रही है, क्योंकि मैं बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में तो बात कर रही हूँ, और बेसिसिटी साइज के साथ कैसे वेरी कर रही है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैंने इस पॉइंट को कहा ड्यू टू डिक्रीज इन द बेसिसिटी देर इज अ विद डिक्रीज इन द बेसिसिटी देर इज अ बेसिसिटी डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो यानी देर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन द किसमें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या मैं ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई हम अगर लेंथेनम से लुटीटियम पे जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। वो बेसिसिटी से कैसे बताया मैंने, मैंने बेसिसिटी से ऐसे बताया कि जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है उसकी बेसिसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो साइज कम होने से यानी साइज छोटा होने से क्या होता है, हाइड्रोलाइजेशन बढ़ जाता है। तो साइज छोटा यानी डिक्रीज इन द बेसिसिटी देर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लियर है हमें ये पॉइंट, यस और नो? ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी सॉल्ट्स। यानी इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी सॉल्ट्स। देखो बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब यहां पे क्या है कि जितना बेसिक, मोर बेसिक इज द ऑक्सी सॉल्ट, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, उसको हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज थर्मली स्टेबल है, यानी थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है, उसको हीट दे के तोड़ना पड़ेगा। आपको थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कब पॉसिबल है, जितना ज्यादा वो बेसिक होगा उतना ही डिकम्पोजिशन उसका क्या हो जाएगा, हार्ड होगा। भाई जितना ज्यादा बेसिक है, बेसिक का मतलब यहां पर कैसे बताया था, आयनिक बॉन्डिंग थी ना भाई, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग है, इतना ज्यादा बेसिक है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग है, तो उसको डिकम्पोजिशन करना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ ऑक्सी सॉल्ट्स में, यहाँ से कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि लेंथेनम नाइट्रेट की बात कर लूं मैं, और एक बात कर लूं मैं लुटीटियम नाइट्रेट की। भी ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सी सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो इन दोनों में से बताना मेरे को कौन सा बेसिक होएगा और कौन सा स्टेबल होगा। देखो अभी बात की थी आपने लेंथेनम के जो सॉल्ट्स बनेंगे, पहले आपने किस फॉर्म में किया था भाई, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कर लिया था, अब मैंने नाइट्रेट की फॉर्म में लिख दिया। तो लेंथेनम नाइट्रेट और लुटीटियम नाइट्रेट में मेरे को बताना कौन सा ज्यादा बेसिक है, बताएं जल्दी से। लेंथेनम यानी मैं कह सकती हूँ ये क्या है, ज्यादा बेसिक है, और ये क्या है, लेस बेसिक है। ये मुझे एक्सप्लेन करना आता है या नहीं, पहले भाई बेसिसिटी का रीजन मुझे आता है कि ये मोर बेसिक क्यों और ये लेस बेसिक क्यों है, पता है सभी को, यस और नो? ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक है, अभी मैंने बताया जितना ज्यादा बेसिक है उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग से बना है। तो उतना ज्यादा अगर कोई चीज स्टेबल है तो क्या उसको डिकम्पोजिशन करना आसान है, यानी डिकम्पोजिशन उसकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जितना लेस बेसिक है यानी आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी वो अनस्टेबल है,
अनस्टेबल है तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो इजी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? क्वेश्चन इज दिस वन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों? बता सकते हैं? विच ऑक्सी साल्ट इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? सेम अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लूं थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने हैं बच्चे, बहुत इजी है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी फॉर्म में ले लेती हूँ। एक लेंथेनम नाइट्रेट दे दिया हमें और एक थिलियम नाइट्रेट दे दिया, इन दोनों में से कौन सा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और किसका थर्मोडायनेमिकली डिकम्पोजिशन करना आसान है? पहले मैंने पूछा स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है, फिर मैंने पूछा थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करना आसान है और किसका करना मुश्किल है। एक डिफरेंट क्वेश्चन बन गया मेरे पास ये, आउट ऑफ दीज विच वन इज स्टेबल, और दूसरा मैंने पूछ लिया विच वन गेट इजीली डिकम्पोज थर्मली। दो चीजें पूछ ली मैंने आपसे, मैंने कहा इन दोनों में से स्टेबल कौन है, आंसर तो दोनों एक ही में छुपे हुए हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो दोनों आंसर एक ही उसमें छुपे हुए हैं कि एक एक्सप्लेन करोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया है। यहाँ पे मैंने कहा इन दोनों में से स्टेबल कौन है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? लेंथेनम, वेरी गुड। दिस वन इज मोर स्टेबल, तो डिकम्पोज कौन होगा इजिली? अगर ये स्टेबल है तो डिकम्पोज कौन होगा? ऑब्वियसली बात है ये होगा, ये सुनो। तो मेरे पास सेम एक्सप्लेनेशन है कि इसके अंदर बेसिसिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा बेसिक है तो ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है तो थर्मली डिकम्पोजिशन इसका क्या होगा, कम होगा, और इसके अंदर ज्यादा होगा। समझ में आ गई ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, अब थर्ड जो इसका रिफ्लेक्शन है यानी थर्ड पॉइंट में इस बेसिसिटी पॉइंट से क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो बता देते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोल्युबिलिटी, मैंने बोला सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी में आपसे क्या बात कर रही हूं मैं बोल रही हूं कि जो लेंथेनम के नाइट्रेट्स ही ले ली मैंने यहां पे भी लेंथेनम के नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, मैंने बोला, लेकिन वो किस तरीके से यानी किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है या फिर इंक्रीज करती है? ठीक है, मैंने कहा अगर मैं लेंथेनम से लुटीटियम पे जा रही हूं, लेंथेनम से लुटीटियम पे जा रही हूं, तो बेसिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ये तो मैं पहले बता चुकी हूं, लेकिन इससे मैं क्या बताना चाह रही हूं, भाई बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो सोल्यूबल तो ये सारे हैं, लेकिन कौन ज्यादा सोल्यूबल और कौन कम सोल्यूबल? तो भाई बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये मोर आयनिक फॉर्म में रहा होगा, और आयंस क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं इजीली, तो ज्यादा आयनिक रहा होगा, और ये तो कोवलेंट हो जाता है ना, जब कंपाउंड बनाता है नाइट्रेट बनाए चाहे हाइड्रोक्साइड बनाए, ये कोवलेंसी में चला जाता है, तो भाई इसके अंदर तो आयंस फ्री नहीं है जल्दी से, इसके अंदर आयंस फ्री है, और जितना ज्यादा आयन फ्री होगा उतना ही क्या होता है वो सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक पॉइंट और डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि जैसे ही पीएच डिक्रीज कर रही है
जो सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज कर रही है एंड दे फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? लेंथेनम से लुटीटियम पे जाते हुए बेसिसिटी डिक्रीज करती है, उसी का ही तो रिफ्लेक्शन क्या शो हो रहा है यहाँ पे। बेसिसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है? आयनिक कैरेक्टर यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इससे मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूं कि पीएच डिक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई और क्या बनने शुरू हो गए? प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए। तो ये था हमारे पास जो बेसिसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अराइज हो सकते हैं। इससे क्वेश्चन हो सकता है, नाइट्रेट वाला क्वेश्चन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, जो हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनर्ड कंडक्शन पढ़ा था उसमें जो बेसिसिटी का कंसेप्ट था वो आज खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्टली मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ आपको, देखेंगे देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई कर पाते हैं। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स, नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लेंथेनॉइड्स। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं और अभी भी किया था। क्या आंसर होना चाहिए भाई? अभी बताया था मैंने लेंथेनर जो है किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, अभी बताया था मैंने लेंथेनॉइड्स कौन से कंपाउंड बना रहे हैं इजिली। ऐसा कुछ बताया था मैंने, आयनिक कंपाउंड, वेरी गुड। ये मैंने ये पहले भी बताया था, इसका रीजन एक और भी था, क्या लेंथेनम आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो लाई करती है कहाँ? इन बिटवीन 1.0 to 1.5, और यानी बहुत कम होती है। और ये किसके कंपेरेबल होती है? इट इज कंपेरेबल टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं जनरली? आयनिक कंपाउंड। क्या ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले? यस और नो बेटा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, बस मैंने यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म चेंज की है। मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस रेंज में लाई करती है और एस ब्लॉक के पास होती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, बताया था ऐसा। तो अब क्वेश्चन आपसे वो डायरेक्ट पूछने लग गया कि लेंथेनॉइड जो है वो कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बता देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर वन हियर, विच वन इज मोर बेसिक आउट ऑफ लेंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड लुटीटियम हाइड्रोक्साइड एंड वाई, कौन ज्यादा बेसिक है इन दोनों में से और क्यों, ठीक है। एक्सप्लेन विद रीजन, यही क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है क्या? लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन लुटीटियम हाइड्रोक्साइड, वाई? क्या इन दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे हम? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूं सिमिलर टू दिस वन, विच वन इज मोर बेसिक
आउट ऑफ गैडोलिनियम ऑक्साइड एंड यट्रोबियम ऑक्साइड एंड वाई? ये क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पे ये और ये, यानी गैडोलिनियम का ऑक्साइड और यट्रोबियम का ऑक्साइड, इन दोनों में से बेसिक कौन है और क्यों, कौन होगा? वेरी गुड, गैडोलिनियम। क्यों? साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने से यानी क्या हुआ? हाँ, साइज ज्यादा होने से पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, या फिर साइज कम होने से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है और कोवेलेंसी बढ़ती है? कोई बात नहीं, आज पढ़ा है और अच्छे से पढ़ना। आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई साइज ज्यादा है लेंथेनम से। देखो पहला आंसर पता है यहाँ क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ठीक क्या दे रहे हैं आप, इसका आंसर पहला तो यही होना चाहिए कि लेंथेनम से गैडोलिनियम, गैडोलिनियम से यट्रोबियम, यट्रोबियम से लुटीटियम जब हम जा रहे हैं, या बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है, यानी ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। ये वर्ड आप नहीं भूलेंगे, इस बात का ध्यान रखें बेटा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये सारे किसके हैं? लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन के हैं। ये भी इसका मेन रीजन तो क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन है, तो पहला पॉइंट आप यही डाल दें। इनमें से और इन दोनों में से बेसिक ये ज्यादा क्यों है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन, पहला पॉइंट यही ऐड कर दें, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस, साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर, और उससे क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, फजांस रूल ये कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि पोलराइजिंग पावर के टाइम की बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा आयनिक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं तो ये ज्यादा आयनिक है, ये ज्यादा आयनिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिसिटी इसकी ज्यादा है। समझ रहे हैं बात या नहीं बेटा? ये बात आप ध्यान से सुन लें, एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है नो डाउट, लेकिन लिखना आना चाहिए आपको पहले। इसका आंसर तो ठीक है मान लो पता है, लेकिन लिखना कैसा है? सबसे पहले आप डाल देंगे लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन, अब उससे क्या हो रहा है फिर एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन पॉइंट से, उसमें फजांस रूल भी डालें, उसमें साइज का फंडा भी डालें, और उसके बाद एक्सप्लेन करें कि ज्यादा आयनिक होने की वजह से वो क्या हो गया है, बेसिक हो गया है ज्यादा, और वो छोटा साइज होने की वजह से लेस बेसिक होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका मतलब गैडोलिनियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन यट्रोबियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेती हूँ, ये हमारा पीछे रह गया था, और ये क्वेश्चंस आ जाता है, क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार। विच लेंथेनॉइड एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन द लेंथेनॉइड सीरीज, बता सकते हैं? मैंने बोला विच लेंथेनॉइड एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन द लेंथेनॉइड सीरीज, भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, किसमें, सीरीज के अंदर, पता है किसी को? चलो मैं बता देती हूं, द आंसर इज प्रोमीथियम, दैट इज पीआर। समझ रहे हैं, वन मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, एक लास्ट जो हमारे पास, आप क्वेश्चन की फॉर्म में कह लो या टॉपिक कह लो आज के लिए,
वो क्या रहेगा, और वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास वो भी। क्या रहेगा क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू लेंथेनॉइड शोज, व्हाई डू लेंथेनॉइड्स शोज सिमिलर केमिकल बिहेवियर। अब आई थिंक अगर हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो इसका आंसर वो सारे कंसेप्ट में छुपा था, या मैं यहां पे एक क्वेश्चन और भी कह सकती हूँ, इसी को दूसरी फॉर्म में क्या कह सकती हूँ, केमिस्ट्री ऑफ ऑल लेंथेनॉइड्स इज आइडेंटिकल, एक्सप्लेन। बेटा इसका आंसर जनरली अगर मैं कहूं तो हम कर चुके हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया है हमने, यानी आ चुका है इसका आंसर, उन सबको हमने सम अप करना है। यहाँ पे मैंने बोला कि लेंथेनॉइड जो है वो सिमिलर बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्या हमने ये पढ़ा था, सुनते जाना, पहला पॉइंट दे रही हूं इसका आंसर का। क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि ऑल लेंथेनॉइड्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऐसा हमने पढ़ा था, सारे लेंथेनॉइड्स की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है, सिर्फ कहाँ चेंज आता है, यानी डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफर ओनली इन द फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। भाई क्या ये बात हमने पढ़ी थी, अभी तक हमने स्टार्टिंग से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथेनॉइड की जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी हमने क्या किया था, वो लास्ट के जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें फिलिंग करते आ रहे हैं और उसी से ही हटाते आ रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या हम ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, यस और नो? ठीक है, अगर हमने ये चीज पढ़ ली तो मैंने ये बात भी बताई थी कि एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, यानी डीपली बरिड, जो मैंने इस फॉर्म में बताई थी कि ये पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग कब करते हैं, जब बहुत अंदर की तरफ है, यानी बाहर के एनवायरनमेंट का ज्यादा इफेक्ट ही नहीं है, बताया था मैंने ऐसा, तो यानी डीपली बरिड है, डोंट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज। आ रही है बात समझ में, मैंने कहा सिमिलर तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरी बात मैंने कही सिर्फ डिफरेंस कहाँ है इनमें, सिर्फ फिलिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स की, एफ ऑर्बिटल्स को भरने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज सिमिलर है सब कुछ, और एफ ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ है तो बाहर से कोई भी लिगेंड आए कुछ भी आता रहे इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इसकी प्रॉपर्टीज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तीसरी बात मैं क्या बोलूंगी, तो यहां से मैं ऐसे बोल सकती हूँ, सो हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तीसरी बात मैं क्या कहूंगी, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, यानी मैं ऑलमोस्ट सिमिलर कह दूं या मैं बोल दूं स्लाइटली डिक्रीज इन द साइज। भाई मैंने बात की थी ना लेंथेनम से लुटीटियम की तरफ आ रहे हैं, अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो मैंने बोला था 1.83 एमस्ट्रोंग से लेके 1.73 पे ही आते हैं, यानी टोटल डिक्रीज कितना आ रहा है, 0.10 का ही डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो ऑलमोस्ट सिमिलर सा साइज आ रहा है, यानी स्लाइटली डिक्रीज कह सकते हैं या ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, ये किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रेक्शन। इन तीनों रीजंस की वजह से मैं ये बोल सकती हूं कि दे आर आइडेंटिकल,
देयर केमिस्ट्री इज आइडेंटिकल, या मैं बोल सकती दे हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर। क्या ये पॉइंट हमें क्लियर हुए, यस और नो? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बोलो। नहीं तो यहां से मैं लास्टली एक वर्ड और कह दूं, आपको पता है वैसे, अगर किसी की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलर से साइज है, तो उनकी सेपरेशन करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट। दैट्स ऑल। यहां तक हमें कोई भी डाउट है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हमें? वेरी गुड। तो आज के टॉपिक में मैंने आपसे क्या बात की? मैंने आपको बताया जो कल हमने एक पेंडिंग पार्ट छोड़ा था लेंथेनॉइड की कॉन्सिक्वेंसेस में बेसिसिटी का कंसेप्ट। तो कौन बेसिक है, बेसिसिटी कैसे वेरी कर रही है, फजान्स रूल से कैसे एक्सप्लेन किया है, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में कैसे बेसिसिटी शो कर रहा है, हमने ये बताया। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस किए और उन क्वेश्चंस को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको एज इट इज मिलते हैं, बिल्कुल सीधे, कि ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, ये आइडेंटिकल क्यों है, ये बेसिक क्यों है, कौन सा बेसिक है, क्यों है, सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। यहां तक हम कल क्वेश्चंस मैं आपसे रेज करूंगी, आप आंसर देंगे, यहां तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, कल।